से COVID-19 वायरस आया है, जब से सिर्फ तीन ही बड़ी प्रो कबड्डी से रिलेटेड न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। पहली न्यूज़ तो जो वीवो के साथ प्रो कबड्डी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है उसकी न्यूज़, दूसरी न्यूज़ जो प्रो कबड्डी पोस्टपोन्ड हुई है उसकी न्यूज़, तीसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो थी प्रो कबड्डी एंड मशाल स्पोर्ट्स वर्सेस स्टार स्पोर्ट्स की एक कॉन्ट्रोवर्सी थी उसकी न्यूज़। ये तीनों ही न्यूज़ मैं कवर कर चुका हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जो कि मैं आपको एक न्यूज़ का आर्टिकल भी दिखा रहा हूँ, वहाँ से मुझे ये न्यूज़ प्राप्त हुई है और इसको मैंने बाकी ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई भी करा लिया है, ये एकदम सही न्यूज़ है। ये न्यूज़ ये है कि प्रो कबड्डी लीग के मीडिया राइट्स का ऑक्शन होने वाला है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का ऑक्शन होने वाला है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब है कि इस ऑक्शन के बाद ही पता लगेगा कि प्रो कबड्डी सीजन 8 हमें किस चैनल पर देखने को मिलने वाला है, मतलब कि प्रो कबड्डी सीजन 8 होने वाला है उसकी ये पहली यहाँ पे हम कह सकते हैं पहला प्रोसेस चालू हो चुका है, क्योंकि यही सबसे पहला प्रोसेस है जब हमें पता लगेगा ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है, जब भी हमें आगे पता लगेगा कि ऑक्शन किस चैनल पे आने वाला है, देन पूरी प्रो कबड्डी लीग किस चैनल पे आने वाली है, तो फर्स्ट प्रोसेस था और ये फर्स्ट प्रोसेस अब चालू हो चुका है। गाइज मैं आपको पूरा बता दूं, गाइज यहाँ पे जो मशाल स्पोर्ट्स है जो कि आनंद महिंद्रा, चारू शर्मा, इन सब ने मिलके जो है फाउंड करी, आनंद महिंद्रा आप जानते हो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो उन्होंने यहाँ पे ये मिलके ये फैसला लिया है कि हम अब प्रो कबड्डी लीग के मीडिया राइट्स के लिए यहाँ पे ऑक्शन रखने वाले हैं अगले 5 सालों के लिए, मतलब सीजन 8 से लेके सीजन 12 तक का ये पूरा ऑक्शन रहने वाला है 2025 तक के लिए। अब गाइज ये जो प्रोसेस रहेगा ये रहेगा एक ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू जो कि हेल्ड होने वाला है 6 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल को ऑनलाइन ऑक्शन होगा जिसमें हमें ये पता लगेगा कि पीकेएल के मीडिया राइट्स किसे मिलने वाले हैं। इसका पूरा जो टेंडर है वो कल यानी कि 25 फरवरी को रिलीज होने वाला है, जिसके अंदर शायद हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से चैनल्स या फिर कौन कौन से यहाँ पे मीडिया चैनल्स यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस ऑक्शन के अंदर, और ये जो है पूरा डिजिटली ऑक्शन होने वाला है। अब गाइस इस पूरे ऑक्शन की मैं आपको कुछ मेन यहाँ पे बातें बता दूँ। सबसे मेन बात यही है कि ये बिल्कुल श्योर है कि स्टार इंडिया जो कि प्रो कबड्डी के 74% स्टेक्स को ओन करती है, यानी कि प्रो कबड्डी लीग जो है मशाल स्पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है और मशाल स्पोर्ट्स के 74% स्टेक्स को स्टार इंडिया ही होल्ड करती है, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी के भी पास जाते हैं इस टूर्नामेंट के या फिर अगले 5 साल तक के टूर्नामेंट्स के, उसमें यहाँ पे स्टार इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू स्टार इंडिया, 74% रेवेन्यू स्टार इंडिया ही यहाँ पे ओन करने वाला है पूरे ओवरऑल रेवेन्यू का। सो गाइस ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, और इसमें ये चीज़ ये भी शायद क्लियर हो सकती है आपको कि अगर इतना रेवेन्यू सिर्फ स्टार इंडिया यहाँ पे ओन करने वाला है तो ये भी हो सकता है कि ऑक्शन में स्टार इंडिया के पास ही दोबारा प्रो कबड्डी के मीडिया राइट्स चले जाए। बट अब ये भी कहना इसलिए मुश्किल है बिकॉज अगर ऐसा होता तो पहले जब कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी उसी में क्लियर करके ऑक्शन तक बात ही नहीं आती, बट अब जो भी होगा वो आगे देखेंगे। बट इसका मैं आपको बता दूं एक और चीज़, इसका जो बेस प्राइस रहने वाला है, मतलब मीडिया राइट्स के लिए जो बेस प्राइस चालू होगा, जहाँ से प्राइस में बिड लगाना जहाँ से चालू होगा, वो प्राइस मशाल स्पोर्ट्स ने रखा है 900 करोड़ रुपए का, यानी कि 900 करोड़ रुपए से जो है बोली लगाना स्टार्ट की जाएगी। अब इसके अंदर जितने भी चैनल्स, जितने भी यहाँ पे मीडिया चैनल्स, जितने भी यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो यहाँ पे बैठेंगे ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू, और यहाँ पे फिर ये पूरी बोली लगेगी, देन पता लगेगा कि कहाँ पे जाते हैं यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग के मीडिया राइट्स। सो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, कल इसका टेंडर पास हो जाएगा, 6 अप्रैल को ऑक्शन है, 900 करोड़ रुपए बेस प्राइस है, एंड अब 6 अप्रैल को जब ऑक्शन हो जाएगा उसी के हमें 15-20 दिन बाद पता लग जाएगा कि प्ले यहाँ पे प्लेयर ऑक्शन कब है, बिकॉज जब एक चैनल सेट होगा जब ही तो प्लेयर ऑक्शन होगा उस पर, तो सबसे पहले हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सी टीम, कौन सी मीडिया राइट्स किसको मिलने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग के, देन प्लेयर ऑक्शन होगा, देन हमें प्रो कबड्डी लीग की स्टार्टिंग डेट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो गाइस ये पूरी ब्रीफली मैंने आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, शायद इतना ब्रीफली आपको शायद आगे नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपको सोचा कि मेरा पूरी जानकारी आ जाए, देन मैं आगे आपको ये चीज़ कन्फर्म करूँ एंड देन सब कुछ मैं आपको बताऊँ। तो अगली वीडियो जो होने वाली है इसके ऊपर होने वाली है कि प्रो कबड्डी लीग के मीडिया राइट्स आखिर किस चैनल के पास जा सकते हैं, कौन कौन से चैनल इस लीग सॉरी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से नेटवर्क्स, एंड देन उसके बाद हमारी जो वीडियोस रहेंगी वो रहेंगी कि प्रो कबड्डी लीग का प्लेयर ऑक्शन कब हो सकता है,
देन प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट कब हो सकती है, सारी चीज़ें आप धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी और मैं क्लियरली आपको बताते जाऊंगा, बिकॉज पहली कड़ी जुड़ चुकी है तो बाकी आगे की कड़ी जोड़ना हमारा काम है। हम आपको बताएंगे आगे की प्रोबेबल डेट्स क्या रह सकती है, कब ऑक्शन हो सकता है, बाकी मैं कई ऑफिशियल से भी ये चीज़ के बारे में कन्फर्म करके आपके साथ जानकारी शेयर करता रहूँगा और यस अब मैं आपके साथ रेगुलर ही रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, लाइक एंड शेयर करते इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कबड्डी ग्रुप्स में, कबड्डी फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, प्रो कबड्डी सीजन 8 का फर्स्ट स्टेप हम इसे कह सकते हैं, तो जल्दी जाइए सबके साथ शेयर कीजिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कबड्डी फैंस के लिए। एंड गाइज मैं अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।